सो गाइस जो राइट साइड पर काम चल रहा है ना रोड का यार, ये काम के वजह से ना हल्का फुल्का ट्रैफिक लग जा रहा है। एवं ट्रैफिक जो है ना वो भाई ये कार वाले क्या कर रहे हैं भाई, कार वाले इतना घाई मत कर यार, आराम से होके चल। थोड़ा ये चेक करो, ब्रिज भी ले लेंगे तो भी चलेगा, ब्रिज नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने ब्रिज ले लिया। अच्छा बड़े बड़े व्हीकल्स जो है वो ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं एंड कार भी जा रहे हैं, वैसे तो एंगल तो मेरा नीचे नीचे जा रहा है बस, और कुछ नहीं। गाड़ी में से ना आवाज़ आ रही है यार, मेरे को डर लग रहा है, क्या आवाज़ आ रहा है इतना। एम्बुलेंस की भाई भाई एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ लगा बच्चे को, खून निकल रहा है क्या? अरे बापरे बापरे, ध्यान दे के चलना पड़ता है यार हाईवे पे, थोड़ा भी यहाँ वहाँ होता है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। मैं कहाँ देख रहा हूँ, आगे देख चंदन, भाई ऐसा एक्सीडेंट्स देख के ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है। सो उसके बाद ना मैं एकदम नॉर्मल चलता हूँ भाई, कुछ टाइम तो एकदम नॉर्मल चलता हूँ, माइंड एकदम शांत रखता हूँ। ऐसा कुछ भी इंसिडेंट देख लूँ ना तो मेरे को मतलब अंदर से वैसा होने लगता है यार, इसीलिए मैं एकदम नॉर्मल चल रहा हूँ, और नॉर्मल ही चलना चाहिए। अरे बाप रे इतना स्पीड चला गया मेरा, मैं तो नॉर्मल चल रहा था। ठीक है सो गाइस, एक्चुअली मैं हमेशा बोलते रहता हूँ इसके लिए कि प्लीज़ ऑलवेज राइड सेफ, क्योंकि मतलब बिकॉज छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं कभी कभी जाने का टाइम पे, कोई फैमिलीज रहती है एंड खुद की गलती से भी हो सकता है, दूसरों की गलती से भी हो सकता है। अभी बाजू में देखो बाइक लेकर आ गया, ये भाई मैं नहीं जाऊंगा इसके आजू बाजू। राइट में होके चलना है, इतनी जगह है तो फिर देखना, भी राइट में जगह है फिर भी यहाँ पे चल रहे हैं। अबे राइट में जगह है फिर भी यहाँ पे घुस के चल रहा है, लेफ्ट में होके हुए इतनी राइट में जगह रखा है उसके लिए, ट्रक वाले के लिए, फिर भी जबरदस्ती इतना चिपका के चल रहा है यहाँ पे लेफ्ट में। अबे ट्रैफिक कितना है भाई, ड्राइवर उनका पता नहीं, ये ज्यादा है। अबे इतना हॉर्न मत मारो ट्रक वाले, डर लगता है। और राइट अबे यार शी, लेफ्ट का रास्ता गया, मार ले लेफ्ट। अबे यार इसको भी लेफ्ट मारना चाहिए था, चल आ जा, लेफ्ट मारते ना आराम से निकलते थे। किस बात का इतना ट्रैफिक है बढ़िया, किधर लेके जा रहा है वो कार वाला आया लिफ्ट में अचानक। यार कार वाले भी ना ऐसे ना तो बिना देखे ना गाड़ी डाल दे रहे लिफ्ट में, थोड़ा तो देख लो यार। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक है ना, मतलब तो ट्रक के पीछे रहने से मतलब नहीं है, तो साइड में से होके निकलना पड़ेगा अपने को, बट फिर भी
एक तो इतने बड़े बड़े ट्रक में ना ये छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखती भी नहीं है। निकाल लिया तेरे भाई ने। ए राहुल लेफ्ट से होके निकल ले रे बाबा, लेफ्ट से होके निकाल, लेफ्ट से पूरा। सही किया वैसे लेफ्ट में आके। वापस आया भाव, आया वाइजर खुला तो मैंने। चल 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 चल, सही सही है। कम से कम जाने तो मिल रहे हैं यहाँ से, पूरा का पूरा हाईवे जाम है यार। ये क्या है बे, ये भाई गाड़ी का इंजन निकाल दिया बे, दिल निकाल दिया गाड़ी का। ठीक है, हाथ दुखने लग गया। सीरियसली ऊपर ब्रिज था, देख भाई इसको देख भाई, किधर किधर से गाड़ियां घुसा रहा है भाई ये बंदा। रॉन्ग वे मार रहा है, रॉन्ग वे क्यों मारते फिर लोग, टनल के लिए रॉन्ग वे मार रहे हैं। ऑटो वाले चलना बेलो को भाई, थोड़ा बहुत ये नहीं होता है क्या। अच्छा खासा टाइम लग रहा है मेरे को आज। अबे देखना इतना ट्रैफिक किस बात का पता भी नहीं। हाईवे ले लू क्या, किधर पे लू, हाईवे वैसे भी निकल ही जाएंगे। चल 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 चल, ओ शिट, भाई ऑटो वाला देखना भाई रुक गया यार, हट। वो देख वो रोड से खाली हो गया बे यार, शी क्या हो रहा है अपने साथ। ऑटो वाला सिर्फ रुक गया ना तो मैं निकल जाऊँ। ऑटो वाला देखना है कैसे बीच में रुका के रखा है, जा रहा है नहीं आगे। भाई साहब यही सब दिखा रहा मैं ब्लॉग में मेरे। वही ना भाई, ब्लू नहीं भाई काला पानी हो जाएगा।